उत्तराखंड में अगले तीन दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा राज्य में खासकर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि 4, 5 और 6 सितंबर को राज्य भर के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर तक राज्य के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी है। 24 घंटों में वर्षा की बात करें तो उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश मिली है, जैसे कि बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपद में। आगे आने वाले टाइम की बात करें तो जो है आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को जो है उत्तराखंड में 4, 5, 6 को ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और उसके बाद जो है 7 तारीख से कह सकते हैं 7 के बाद जो है थोड़ी वर्षण में कमी की संभावना है, जिसमें जो है लेकिन कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम वर्षा उसके बाद भी मिलती रहेगी। चेतावनी की बात करें तो आज जो है 4 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है। इसमें विशेषकर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल या उत्तरकाशी जनपद है। ऐसे प्लेन्स में भी हरिद्वार में जो है कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। कल भी देखेंगे, कल परसों भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है, जैसे कि जो देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल ये जनपद हैं। तो अभी जो है एक्टिविटी जो मॉनसून की है वो सामान्य या जो है सामान्य से थोड़ी ऊपर एक दो दिन रहने की संभावना है।